नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने लिख करके यह पूछा है कि सर, बीए आर्ट्स जो बीएचयू एडमिशन है उसके कटऑफ के बारे में कृपया बताएं। सर, हमें बताएं कि इस बार बीएचयू में सीयूईटी के तहत जो बीए आर्ट्स में एडमिशन होगा उसका मिनिमम कटऑफ कहाँ तक जाएगा, कब तक एडमिशन होगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया कब तक शुरू होगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कल के वीडियो में आपको सीयूईटी यूजी के थ्रू जो बीएचयू बीए सोशल साइंस में एडमिशन होना है, मेन कैंपस से लेते हुए, महिला महाविद्यालय से लेते हुए, सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस से संबंधित जो सोशल साइंस का कटऑफ था वो मैंने बताया था। आपको यदि बीए सोशल साइंस कटऑफ के बारे में जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियो को सुन सकते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों ने आर्ट्स के कटऑफ के बारे में जानना चाहा है, जिसमें से अगर मैं मुख्य रूप से कुछ विद्यार्थियों का नाम लूँ तो अंजलि 205, यानी आप सभी ने अपना नाम लिखा है, अपना इंडेक्स बताया है और यह जानना चाहा है कि क्या इतने इंडेक्स पर हमारा एडमिशन बीएचयू मेन कैंपस, महिला महाविद्यालय या एफिलिएटेड कॉलेजेस में हो सकता है। तो उसमें अंजलि 205, ग्लोबल 181, सोमदत्त विश्वास, आयुषी 222, जीशु गुप्ता 170, विशाल तिवारी 220, मुख्तार अहमद 159, ऋषिका बाला 274, सृजन कुमार 228, संतोष कुमार 275, अमित यादव 224, अमित जी 210, अनामिका सिंह, अंजलि 205, अनूप कुमार, आयुष कुमार 222। ये तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपना नंबर बताते हुए बीए आर्ट्स में एडमिशन होने से संबंधित जानकारी मांगी है। इसके साथ ही साथ और बहुत सारे लोग हैं, जैसे ऋषभ हैं, श्रद्धा हैं, हर्ष तिवारी हैं, तनिष हैं, सत्यम हैं, ठीक है, आर्थ पटेल हैं, अनूप कुमार है, आयुष यादव जी हैं, सोनाली, प्रिंस कुमार जी हैं, प्रीति वर्मा जी हैं, दुर्गेश जी हैं। तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने इंडेक्स के साथ बीए आर्ट्स में एडमिशन होने की संभावना जानना चाहा है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक बीए आर्ट्स के लिए कोई बीएचयू के तरफ से कटऑफ जारी नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको 2023-24 में बीए आर्ट्स में एडमिशन होने की संभावना व्यक्त करूँ तो पिछले बार जो 2022-23 का कटऑफ था उसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आइए एक बार देखते हैं कि इस बार बीए आर्ट्स में जो कटऑफ होगा वह मेन कैंपस महिला महाविद्यालय के साथ बाहर के जितने एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, एएनपीजी और डीएबी, उसमें एडमिशन होने की कितनी संभावना है। बात शुरू करते हैं मेन डिपार्टमेंट से, यानी एफएमसी में एडमिशन होने की अलग अलग कैटेगरी के बच्चों की कितनी संभावना है। तो उसमें सबसे पहले अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो पिछली बार 309 यानी 77% मिनिमम कटाव गया था बीए आर्ट्स में मेन डिपार्टमेंट में, ठीक है, यानी एफएमसी में। तो इस हिसाब से क्योंकि पिछले बार 400 का हुआ था, इस बार 350 नंबर का हुआ है, तो इस हिसाब से अगर आपका नंबर 265 से लेकर के 275 के बीच में है तो संभावना है कि आपका एडमिशन जनरल कैटेगरी में मेन डिपार्टमेंट में हो जाएगा। वहीं ओबीसी की बात करें तो पिछली बार एडमिशन 298 पर हुआ था, यानी 74% पर हुआ था, तो इस हिसाब से 255 से 265 नंबर यदि आपका है तो भी आपका एडमिशन बीएचयू मेन डिपार्टमेंट में ओबीसी कैटेगरी में हो जाएगा। वहीं एससी की बात करें तो एससी में 251 नंबर यानी 63% तक एडमिशन मिनिमम हुआ था पिछली बार। तो इस हिसाब से अगर आपका इंडेक्स 215 से लेके 225 के बीच में है तो निश्चित रूप से आपका एडमिशन हो जाना चाहिए।
वहीं बात एसटी कैटेगरी की करें तो 184 यानी 46% तक मिनिमम कटाव गया था पिछले बार। इस हिसाब से एसटी कैटेगरी में 155 से लेकर के 165 के बीच में इंडेक्स है, तो एडमिशन होने की पूरी संभावना है। बात ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के करें तो पिछले बार 295 पर एडमिशन हुआ था, यानी लगभग 73% इंडेक्स वालों को मौका मिला था। तो इस हिसाब से 255 से लेकर 265 इंडेक्स है, यदि के बीच इंडेक्स है तो आपके एडमिशन होने की पूरी संभावना है। वहीं बात पेड सीट की करें, आप मेन कैंपस मेन डिपार्टमेंट में किसी भी कीमत पर एडमिशन चाहते हैं और यहां तक कि आप पेड में भी इंटरेस्टेड हैं, तो इस कंडीशन में पिछले बार 300 पर एडमिशन हुआ था, यानी 75% पर एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से 260 से 270 नंबर रहेगा तो भी आपके एडमिशन मेन कैंपस पेड में होने की पूरी संभावना है। वहीं बात महिला महाविद्यालय की करें तो महिला महाविद्यालय में अलग अलग कैटेगरी के जिन गर्ल्स का नंबर जो मैं बता रहा हूँ उसके बीच में रहता है तो एडमिशन होने की पूरी संभावना है। बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, तो पिछले बार महिला महाविद्यालय में जनरल कैटेगरी का कटाव 290 गया था मिनिमम, यानी 72% तक एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से अगर आपका नंबर 240 से 250 के आसपास है तो MMB जनरल कैटेगरी में एडमिशन हो जाएगा। बात OBC की करें तो पिछले बार MMB OBC का कटाव 275 गया था, यानी 69% पर एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से 235 से 245 के बीच यदि आपका इंडेक्स है तो आपके एडमिशन होने की पूरी संभावना है। वहीं बात SC कैटेगरी की करें तो पिछले बार 215 नंबर पर एडमिशन हुआ था, यानी 54% मिनिमम कटाव गया था। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 185 से लेकर 195 के बीच अगर आपका नंबर है तो एडमिशन हो सकता है। वहीं बात एसटी कैटेगरी की करें तो 161 पे एडमिशन पिछली बार हुआ था, यानी 40% तक गया था मिनिमम कटाव। तो इस हिसाब से 135 से लेकर 145 नंबर यदि आपका है तो आपको महिला महाविद्यालय मिल सकता है। वहीं EWS के कटाव की बात करें तो पिछली बार 284 नंबर पर एडमिशन हुआ था मिनिमम, 71% तक एडमिशन हुआ था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 245 से 255 नंबर यदि आपका है के बीच में है तो आपका एडमिशन भी हो सकता है। बात यदि पेड सीट की करें MMB में, यानी आप पेड सीट में भी इंटरेस्टेड है MMB में एडमिशन लेने के लिए, तो आपका नंबर 245 से 255 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार 288 तक पेड में हुआ था मिनिमम, यानी 72% तक एडमिशन हुआ था। अब बात यदि जल्दी से हम एफिलिएटेड कॉलेजेस की कर लें, एफिलिएटेड कॉलेजेस में तीन महिला महाविद्यालयों की बात कर लें, VKM, VCW और AMPG। मैं इन तीनों कॉलेजेस का अलग अलग कटाफ नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगेगा इसमें। इन तीनों एफिलिएटेड महिला महाविद्यालयों में जो मिनिमम कटाव गया था, मैं उसके आधार पे आपको एक अनुमान बता रहा हूँ कि पिछले बार इन तीनों कॉलेजेस में मिनिमम कटाव बीए आर्ट्स में जनरल कैटेगरी का गया था 207, यानी 207, यानी 52% पर एडमिशन हुआ था मिनिमम। इस हिसाब से अगर आपका 175 से 185 नंबर है तो कोई ना कोई एफिलिएटेड कॉलेज महिला महाविद्यालय आपको मिल जाएगा। या आप जरूर ध्यान रखिए कि MMB में भी सिर्फ लड़कियों का एडमिशन होता है, और जो तीन कॉलेजेज एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर भी सिर्फ लड़कियों का ही एडमिशन होगा। यदि आप बॉयज़ हैं तो आपको सिर्फ दो ही जगह एडमिशन लेने का मौका मिलेगा, या तो मेन डिपार्टमेंट या तो एफिलिएटेड में DAV में आपको जाना पड़ेगा। वहीं अगर हम OBC कैटेगरी की बात करें इन तीनों एफिलिएटेड कॉलेजेस में, तो पिछली बार 171 यानी 43% पर एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से 145 से लेके 155 के बीच में आपका नंबर है तो कोई ना कोई एफिलिएटेड कॉलेज महिला महाविद्यालय आपको मिल जाएगा। वहीं बात SC कैटेगरी के करें तो आपको SC कैटेगरी में एडमिशन पाने के लिए मात्र 40 से 50 नंबर की ज़रूरत हो सकती है इस बार, क्योंकि पिछले बार 13% यानी 51 मार्क्स तक वालों बच्चों का एडमिशन इस कैटेगरी में हुआ था। वहीं बात ST कैटेगरी की करें तो पिछले बार मिनिमम कटाव गया था 67 यानी 17% तक वालों को एडमिशन मिला था। इस लिहाज से यदि आपका 55 से 65 नंबर है तो आपके एडमिशन होने की संभावना है, कोई न कोई एफिलिएटेड कॉलेज आपको
मिल जाएगा। बात EWS कैटेगरी की करें तो पिछली बार 175 नंबर पर एडमिशन हुआ था, यानी 44% वालों को भी इंटरटेन किया गया था, मौका दिया गया था। तो इस आधार पर अगर आपका 150 से 160 नंबर के बीच है तो आपको भी EWS कैटेगरी में कोई ना कोई एफिलिएटेड कॉलेज मिल जाएगा। बात करें यदि पेड सीट में भी आप इंटरेस्टेड हैं इन तीनों कॉलेजेस में से किसी भी कॉलेज में, तो आपको 155 से 165 नंबर के बीच आपका इंडेक्स होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार 182 पर यानी 45% इंडेक्स मिनिमम गया था पेड में। बात जल्दी से जाते जाते अगर हम DAB PG कॉलेज की करें जो को एड है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, तो इसका जो कट ऑफ जनरल का था पिछले बार वो 275 यानी 69% मिनिमम गया था। तो इस लिहाज से अगर 235 से 245 नंबर के बीच है तो आपका एडमिशन DAB में हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। वहीं OBC कैटेगरी की बात करें तो पिछले बार 272 नंबर पर यानी 68% पर एडमिशन हुआ था। इस हिसाब से 235 से 245 के बीच यदि आपका इंडेक्स है तो पूरी संभावना है। वहीं SC कैटेगरी की बात करें तो पिछले बार 228 पर एडमिशन हुआ था मिनिमम, यानी मिनिमम 57% कट ऑफ गया था। तो इस हिसाब से अगर 195 यानी 195 से लेकर के 205 तक आपका नंबर है तो आपका SC कैटेगरी में DAB में एडमिशन हो सकता है। बात ST कैटेगरी के करें तो पिछले बार 130 नंबर तक मिनिमम गया था, यानी 32% तक एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से अगर 115 से लेकर के 125 के बीच आपका इंडेक्स है तो भी आपका एडमिशन हो सकता है। बात EWS कैटेगरी की करें तो EWS कैटेगरी में पिछले बार 273 इंडेक्स यानी लगभग 68% तक कट ऑफ गया था। तो इस हिसाब से अगर 235 से 245 के बीच आपका नंबर है तो भी आपको EWS कैटेगरी में DAB मिल जाएगा। और बात यदि पेड सीट की करें तो DAB में पेड सीट में भी एडमिशन होने के लिए इस बार आपको 235 से लेकर के 245 नंबर होना जरूरी है, क्योंकि पिछली बार 278 नंबर मिनिमम गया था, यानी 69% पर एडमिशन हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से पूरी सही और वैध जानकारी देने की कोशिश की है, इसके बावजूद भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो BHU द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। यह BHU के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने 14 साल के अनुभवों के आधार पर और ख़ास तौर से पिछली बार जो कट ऑफ गया था CUET के थ्रू, उस कट ऑफ के आधार पर एक अनुमानिक उत्तर देने की कोशिश की है। यदि आपके कोई सवाल हैं, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि जब भी आप कोई सवाल पूछें तो निश्चित रूप से अपना नाम अवश्य लिखें, आप अपने जिला और आप अपने प्रदेश का भी नाम जरूर बताएं, इससे आपके सवाल को लेना और आप समझ पाएंगे कि मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया, सुविधा होती है। साथ ही साथ मैं अगली बार या अगले वीडियो में किसी और कोर्स के कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। BHU से संबंधित यदि आप कोई और विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी भी तरह का अपडेट आता है तो मैं हमेशा की तरह से आपके साथ साझा करता रहूँगा। आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें, आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।